नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बेट द कंपटीशन पे। तो बात करेंगे नेस्ट के बारे में। जी हाँ, नेस्ट जो है यहाँ पर EMRS की एग्जामिनरी बॉडी है, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली फॉर्म की गई है। आप सबको मैं बता दूँ कि इससे पहले मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूँ EMRS के चैलेंजेस एंड फंक्शंस को लेकर के। ये वीडियो जो बनी है दोनों को दोनों है, ये आपके डिमांड पे बनाई गई है। बच्चों की एक खास डिमांड थी कि बताया जाए कि ये एमआरएस के अपने जो स्कूल्स हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं और नेस्ट के बारे में बताया जाए। तो ये वीडियो मैंने खास तौर पर आपके डिमांड पे बनाई है। बिल्कुल, यदि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक वीडियोज आपके लिए लेकर के आई जाए तो कॉमेंट करके बताइएगा। जितने मैक्सिमम कॉमेंट होंगे एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए, उसके ऊपर मैं जरूर काम करूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज की वीडियो में आपके लिए। तो नेस्ट के बारे में हम जानेंगे कैसे काम करती है, EMRS में इसका क्या अपना रोल है, और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इनके अपने एम इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ये जो है ओरिजिनेशन में आई, कैसे आई, ये सारी चीज़ें जानेंगे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि EMRS का पर्टिकुलर पेपर आप देने जा रहे हैं, तो इन कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कई बार हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि एग्जामिनर और एग्जामिनरी बॉडीज के ऊपर सवाल बना सकती है। लेकिन हमें एक ऐसे कोई भी एक मौका नहीं गंवाना है जिससे कि हमारे नंबर जो है स्किप हो। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आप सबको ध्यान में होना चाहिए, है ना। तो इसको पढ़ करके जाइए, बहुत कोई खास लंबी वीडियो नहीं है, है ना। और 2x भी करके आप देख सकते हैं, 1.5x करके भी आप देख सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर हम नेस्ट के बारे में, जो है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। ठीक है, ये कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई एक ऑटोनॉमस बॉडी है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो है अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो इसको मेंटेन करती है सोसाइटी को पूरी तरीके से, जनजातीय जितने भी हमारे एरियाज हैं कंट्रोल करती है और मैनेज करती है स्कूलों को। ठीक है, आगे चलते हैं। एम क्या है इनका, आपसे अगर एम पूछता है, नीड पूछ ले, ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले और इम्पोर्टेंस पूछ ले। तो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिश करना है कहीं ना कहीं बोर्डिंग स्कूल्स को और खेल उत्कृष्ट केंद्र जितने भी स्थापना है, समर्थन की जो हम बात करते हैं कि भाई आप उसको एस्टेब्लिश करने का, मेंटेन करने का, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का इन स्कूलों का काम है। और कि जितने भी हमारे जो स्पोर्ट्स मॉडर्न डे में आजकल चलते हैं, मॉडल डेज में, बोर्डिंग स्कूल्स में, आप सबको पता भी होगा 6 to +2 तक के स्कूल्स यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर सारे एक्ट्स ये प्ले करते हैं, कंड्यूसिव होता है बहुत ज्यादा इनका जो पूरा पूरा इन्वायरमेंट होता है, नेसेसरी जितनी भी चीजों की हो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। प्रमोशन टू स्कूल्स विल हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है ये देख लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स पे जाने से पहले इसकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो आप यूट्यूब से कर सकेंगे, और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी PDF। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मोर ओवर 4000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और जहां पर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रोवाइड द क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन। तो क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन क्या है, यहीं से क्लियर हो गया। एक तो क्वालिटी की बात की है, साथ में हमने मॉडर्न एजुकेशन की बात की है, तो जाहिर सी बात है कि हम स्मार्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इंक्लूड आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट को, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज को, यानी कि एथिक्स के ऊपर बात करें भाई, डेमोक्रेसी के ऊपर बात करें, ब्रदरहुड, पीसफुल, जैसा कि आप सबको यह ध्यान में होगा कि आज जो मॉर्निंग का लेक्चर गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट गोल्स में भी काउंट किया जाता है। और ग्लोबल अवेयरनेस, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, क्योटो प्रोटोकॉल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वाटर, ये सारी चीजें के ऊपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवेंचरस एक्टिविटीज है ना, बच्चे कुछ नया सीख पाए, फिजिकल एजुकेशन, फुटबॉल है, गेम है, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को रिलीज कर पाए। टैलेंट ट्राइबल चिल्ड्रन प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द रूरल जो एरियाज हैं हमारे, जो हमारे गांव के इलाके हैं, वहां पर जो बच्चों को कम्प्लीटली एक फ्रीडम दी जा सके, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारा जा सके, अवेयरनेस हम लेकर के आ सके, तो बहुत बड़ी पहल कह सकते हैं कि है ये। दूसरा, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज एट द सुटेबल स्टेज फॉर इंस्ट्रक्शन थ्रू अ कॉमन मीडियम ऑल ओवर द कंट्री।
पूरे देश में एक समान माध्यम से शिक्षा के लिए उचित स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना। तो आप सबको पता भी होना चाहिए कि सीबीएसई का करिकुलम तो ये लोग फॉलो ही करते हैं। तो कह रहे हैं कि तुलनीय जो सुनिश्चित करने और जनजातीय लोगों की जो साझी और समग्र यानी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, विरासत और सुविधाजनक बनाने और समझने के लिए एक सामान्य मूल पाठ्यचर्या की पेशकश ये करते हैं। आपकी किताबें क्या हों, आपके गेम्स क्या हों, किसको कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, टाइमिंग क्या होगा, प्रेयर कौन सी कराएंगे, यानी कि वो सारी चीजें जो कि एक स्कूल में आवश्यक हैं। नंबर 3 को देखेंगे, कह रहे हैं कि तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव बनाना है ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर के वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर इन ईच स्कूल टू प्रमोट अ नेशनल इंटीग्रेशन एंड एनरिच द सोशल कंटेंट। यानी कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक सामग्री को समृद्ध करने के लिए प्रत्येक स्कूल में छात्रों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है उत्तर उत्तर दिलाना है ना। यानी कि आप बहुत इजी टू तरीके से मूव कर पाए, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है तो भाई ट्राइबल स्कूल है, हालांकि प्रायोरिटी तो दी जाएगी लेकिन आप किसी भी तरीके से किसी भी एरिया में बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं और अपनी जो बेसिक से लेकर के आगामी शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन जो शुरू में हमने बात की कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन दे, ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को जो दीक्षा और निष्ठा के अंदर दी जाती है, एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करें टीचर्स, ठीक है, फैसिलिटीज पूरी हों, प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, मूविंग टूवर्ड्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स। अब वॉलीबॉल में अच्छे हैं, क्रिकेट में अच्छे हैं, चेस में अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें। नंबर 4 जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये कहता है कि फैसिलिएट करना है स्टूडेंट्स को, है ना। तो कैसे आप फैसिलिएट कर पाएंगे, प्राइड इन नेशनल कल्चर, ठीक है, प्रिजर्विंग द चेरिशिंग द ट्राइबल हेरिटेज, ट्राइबल कल्चर, म्यूजिक, डांस एंड अदर आर्ट्स, हेल्प कर पाएंगे एक्वायर न्यू स्किल्स को लेकर के पार्टिसिपेशन, ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिव, इंक्लूड कर पाएंगे सेल्फ एम्पावरमेंट को, यानी कि सशक्तता की हम बात कर रहे हैं। साथ में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अचीव कर पाएंगे बेस्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को, एक्सीलेंस को, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर काउंट की जाती हैं। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी नेस्ट को लेकर के जो आपकी डिमांड पे बनाई गई थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पता होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि आपसे घुमा फिरा करके सवाल पूछ ले, हालांकि क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी सारी चीज़ें हैं तो कुछ बहुत अलग नहीं है, लेकिन हाँ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से बोर्डिंग स्कूल में एक दो शहर से दूसरे शहर तक बच्चे जुड़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणालियों को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषज्ञों का कौन सा सेट सहायक माना जा सकता है, नीचे दिए गए कोड में से विकल्प को सही तरीके से चुनना है। हिंदी वाले बच्चे इसको पॉज करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा, चलते इंग्लिश वाले पे, मैं पढ़ देती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ रुक करके पॉज करके वीडियो में जवाब जरूर देंगे। कह रहे हैं कि सेट ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी कंसिडर हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव लर्निंग, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। सिस्टम्स की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि प्रायर एक्सपीरियंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दो होते हैं, एबिलिटी द लर्नर्स, स्टूडेंट्स का लैंग्वेज बैकग्राउंड, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोटिवेशन ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे जो नेगेटिव वर्ड है ना, उसको आपको पहले निकाल देना है। जैसे आप नेगेटिव वर्ड निकाल देंगे तो आप यहाँ पर सही कोड को चूज कर पाएंगे, है ना। यहाँ से आपको कोड चूज करना है, इसका जवाब मैं दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। कौन सी वीडियो अभी तक पेंडिंग है जो आपने अभी तक कवर नहीं की है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से आप कर पाएंगे अपनी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन AMRS DSS PUGC NET, और साथ में बाकी जो चीज़ें हैं, नोट्स हैं, PDF हैं, कंटेंट हैं, किताबें हैं, ये सारी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी बात यह कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी सिंगल पेनी भी आपको पे नहीं करना है, क्वालिटी कंटेंट हमेशा दिया जाता रहा है। तो बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। जो भी सवाल मैंने पूछा है जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है, इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंतज़ार रहेगा और अप्रिसिएशन के पात्र होंगे सारे के सारे वो स्टूडेंट्स जो कि कोशिश करेंगे इसका जवाब देने की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। फॉर फर्दर अपडेट स्टे विद अस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।